हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कहानियाँ। तो आज मैं खुदा और मोहब्बत का पार्ट 4 एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपने इसके पहले के 3 पार्ट्स को नहीं सुना है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे ज़रूर सुन लें। कहानी में अब तक आपने देखा, ईमान का दिल अब हमाद के लिए बदल चुका था, पर उसके अब्बा ने उसका निकाह अब्दुल्ला के साथ तय कर दिया था। जिम और हमाद की दोस्ती अब अच्छी हो गई थी, वैसे ही सारा और हमाद के बीच भी दोस्ती अच्छी हो गई थी। रेबिका हमाद को एक जादूगर कहने लगी थी जो अपने प्यार के जादू से सबका मन बदल दे रहा था। सारा ने हमाद को बताया कि यह पहली बार था किसी ने 30 साल में उसके पिता सर आइजक के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की थी, और उसके पिता उससे नाराज भी थे, पर उसकी माँ जेनी ने सब संभाल लिया था और वो यह भी चाहती थी हमाद उसकी माँ से मिले। दोनों बस बातें कर हंस रहे थे, इस बात से बेखबर कि कोई उन्हें देख रहा था। यह कोई और नहीं सर आइजक थे, और उन्हें अब तक हमाद से दूरियां ही पसंद थी। हॉलोकास्ट पे रिसर्च करते वक्त हमाद को लाइब्रेरी में एक भी किताब एंटी हॉलोकास्ट पे नहीं मिली, पर इससे भी उसकी मदद हो गई। अब वो दोनों प्रो हॉलोकास्ट और एंटी हॉलोकास्ट विचारों को मिलाकर अपनी दलीलें बना सकता था। उसी शाम सारा की माँ जेनी उसे कॉलेज लेने आ गई और उनकी मुलाकात बागी हमाद से हो गई, और उन्होंने हमाद को उस रात खाने पे अपने घर आने की दावत दे दी। अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद हमाद को सारी दुनिया अब दुश्मन जैसी लगने लगी थी। रहमतुल्ला से मुलाकात के बाद उसने एक भी नमाज नहीं छोड़ा था, पर अब उसका धर्म पर से विश्वास टूट चुका था। अब उसे इबादत, खुदा पे भरोसा सब झूठ लगने लगा था। अब मस्जिद में भी हर दिन वो लोगों के मुंह से ऐसे ही दलीलें सुनने लगा था जहां लोग कहते थे उनको नमाज में मन नहीं लगता, हज नहीं जाना चाहते और भी क्या क्या। कुछ दिन बाद उसने इबादत करना और मस्जिद जाना दोनों छोड़ दिया। खैरू रोज उसके इंतजार में रहता, पर हमाद बस अपने अकेलेपन में बैठा रहता था। एक दिन शकीर को हमाद का पता बताकर निखत ने तुरंत उसे अपने घर बुलाया। दरअसल वो हया और ईमान का खत हमाद तक पहुंचाना चाहती थी। हया ने हमाद से मिलकर हमाद को बताया उसे विश्वास है कि उसका प्यार ईमान के लिए सच्चा है, पर दुनिया उस पर कभी यकीन नहीं करेगी। हमाद ने फूल जैसी लड़की से ऐसी समझदारी की उम्मीद नहीं की थी। उसने ईमान का बात हमाद तक पहुंचाते हुए उसे बताया कि अगर ईमान उसे नहीं मिल सकती तो इसलिए उसे पूरी दुनिया के त्याग करने की जरूरत नहीं है। वो चाहती थी खुदा के लिए वो अपनी जिद और ये जिंदगी छोड़ अपने घर लौट जाए। हमाद को इस बात से खुशी हुई कि पत्थर दिल ईमान के पास भी एक दिल है जो धड़कता है और उसे उसकी तकलीफ का एहसास है। हया ने अपनी पूरी कोशिश के साथ हमाद को समझाते हुए और उसे ईमान का खत देते हुए चली गई। ईमान ने खत में यह जाहिर कर दिया था उसे हमाद के प्यार पर पूरा भरोसा था, पर प्यार में कोई हट नहीं होती है। हट तो शत्रुता का प्रतीक था। उसने अपनी पहली और आखिरी विनती करते हुए हमाद से घर लौट जाने को कहा। यह हमाद के महबूब का उसे पहला खत था जिसे उसने दर्जनों बार पढ़ लिया। उसके शब्दों में उसे ईमान की मौजूदगी का महसूस हो रहा था। हमाद ने वहां से एक कलम उठाया और गालिब की कुछ पंक्तियां लिखकर निखत से उसे ईमान तक पहुंचा देने की दरखास्त करते हुए वहां से निकल गया। वो स्टेशन आ गया और सिद्दीकी साहब से मुलाकात की। ना जाने क्यों पर आसपास के सभी लोग उसे बहादुर और जाबाज समझते थे। हालांकि उसकी नैया डूब रही थी, पर उन्हें उम्मीद था वो उस डूबती नैया की कप्तान की तरह है जो आखिरी वक्त में भी अपनी जाबाजी नहीं छोड़ता है। उस शाम हमाद को कमरान की बहुत याद आ रही थी। वो अपनी सारी बातें उसे खत के जरिए बताया करता था, पर अब्दुल्ला से आखिरी मुलाकात के बाद उसने कमरान को खत लिखना बंद कर दिया था। हमाद सारा के घर खाने के दावत पे पहुंच गया था। अपनी इबादत पूरी कर सर आइजक घर आए, और ना चाहते हुए भी उन्होंने घर आए मेहमान से बात करने की कोशिश की, पर अगले ही पल सब बदलने वाला था। सर आइजक ने हमाद से पूछा वह किस राइटर की मदद ले रहा है हॉलोकॉस्ट के बारे में लिखने में। तब हमाद ने डेविड रॉन्ग का नाम बताया। इस बात ने तुरंत सर आइजक को नाराज कर दिया।
उनके लिए यह उनके धर्म और विश्वास की बात थी। वो नहीं चाहते थे एक दूसरे धर्म का आदमी ज्यूज बच्चों के बीच एक गलत मैसेज को फैलाए। वो हमाद की बेइज्जती करते हुए बोले, वो यह सब सस्ती इज्जत और खुद को बड़ा दिखाने कर रहा था। हमाद अपनी दलील में उन्हें पहले उसकी रिसर्च को देखने बोला। हमाद और सर आइजैक दोनों में गर्मा गर्मी हो गई और उन्होंने हिब्रू का सहारा लेते हुए बोला, शायद उन्होंने गलत इंसान को अपने घर दावत दे दी है, और अंदर चले गए। हमाद मिस जेनी से इजाज़त लेते हुए अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। सारा जो अब तक अंदर कुछ काम में थी भाग कर ठंड में बिना जैकेट के आकर हमाद से माफ़ी मांगने लगी। वह अपने पिता के हरकत के लिए शर्मिंदा थी। इस पल हमाद को सारा की बहादुरी का एहसास हुआ। हमाद ने भी बताया वो उनके घर पर ऐसी कोई बातें नहीं करना चाहता था, पर सर आइजैक ने खुद ये बात उठा दी थी। उसने ठंड में कांपती सारा को अपना जैकेट पहनाया और उसे घर जाने को बोला। सारा ने हमाद के साथ थोड़े मजाक करते हुए उसे बोला, वो जानती थी हमाद लोगों के दिल जीतना अच्छे से जानता है, पर वो अब भी हमाद के सोच के प्रतिबंधी थी और वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। दोनों ने एक बार फिर एक दूसरे को अलविदा किया और हमाद बस अपने रास्ते चल पड़ा। सारा अब तक खड़ी उसे देख रही थी। जाते हुए हमाद ने सोचा, वो खुद भी एक सितारे की तरह है जो सदियों से अपनी चांद की तलाश में था। ईमान के निकाह को अब 3 हफ्ते रह गए थे और एक दोपहर काले बादल छाने की वजह से बहुत तेज बारिश होने लगी। तभी सिद्दीकी साहब के फोन पर एक फोन आया हमाद के लिए। वह फोन उठाने पर चौंक गया क्योंकि उसे हया ने यह फोन कॉल किया था। हया ने उसे 4 बजे निखत के घर आने बोला क्योंकि ईमान उससे मिलना चाहती थी। वो आगे कुछ बोल पाता तभी फोन कट गया। बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही थी और उसके पास बारिश से बचने कोई सामान भी नहीं था। वह किसी भी तरह एक रिक्शा पकड़कर वहां पहुंचा। हवेली पहुंचने के बाद निखत और हया ने उसे उसी लाइब्रेरी में भेजा जहां उसने पहली बार ईमान से मुलाकात की थी और अपनी बात रखी थी। इतनी बारिश की वजह से बिजली चली गई थी। वहां पूरा अंधेरा था। बिजली कड़कने की रोशनी और कुछ मोमबत्तियों की रोशनी से उसने देखा वहां ईमान एक कोने में बैठी है। वह मुख बंद हो गया। ऐसा कैसे हो सकता था? उसे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। हमाद को पूरा भीगा हुआ देखकर ईमान ने उसे सुखाने कुछ कपड़े लाने का बोला, पर वह ईमान से मिलने का वक्त बिल्कुल भी जाया नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसे वहीं रहकर बातें करने बोला। अब तो वह सोच में था कि वह उससे बातें करे या उसे देखे। फिर ईमान ने उससे बताया, मैंने तो तुम्हें बस तुम्हारी हट छोड़ तुम्हें घर जाने को बोला था, पर यह क्या तुमने मुझे लिखकर भेज दिया। ईमान उन गालिब की पंक्तियों की बात कर रही थी जो हमाद ने लिखकर निखत के द्वारा उसे भिजवाया था। ईमान बहुत दर्द में और अंदर से टूटी हुई लग रही थी। शायद इतना ज्यादा तो हमाद भी उसके प्यार में नहीं टूटा था। उसने हमाद से आज अपने प्यार का इजहार कर दिया। हमाद का प्यार जीत चुका था, पर उसके लिए अपने अब्बा का सम्मान अब भी सबसे ऊपर था। उसने हमाद से वादा किया, इस दुनिया में नहीं पर दूसरे दुनिया में वो जरूर बस हमाद की होगी, पर अभी वो अपने अब्बा और ये प्यार के रिश्ते के दीवार को नहीं गिरा सकती है। उसने हमाद को बताया उनकी लाइब्रेरी में पहली मुलाकात के वक्त से ही उसे हमाद से प्यार हो गया था, पर वही इसे कबूल नहीं करना चाहती थी। उसे यह एक अमीर लड़के की बचकानी हरकत लग रही थी। हमाद के घर छोड़ने पर भी वह उस पर यकीन नहीं करना चाहती थी, पर जब उसने रेलवे स्टेशन पे हमाद को बतौर कुली देखा, उसका सारा घमंड और हमाद के लिए मन में आ रहे गलत विचार टूट गए थे। वह समझ ही नहीं पाई हमाद कैसे एक तूफान की तरह उसकी जिंदगी में आया और उसके सारे दिल के तालों को उसने एक पल में तोड़ दिया। ईमान ने हमाद के हाथों को जोर से पकड़ लिया था, मानो वह उसको अपने आंखों में समा लेना चाहती हो। उसके पास हमाद को देने कुछ नहीं था, इसलिए उसने वही 2 मोती दे दिए जो हमाद ने पहली मुलाकात में उसके जूते से निकलने पर वहां से लिए थे। हमाद समझ चुका था
प्यार का जहर अब ईमान के अंदर भी फैल चुका है। वो नाराज भी था, एक फूल जैसी लड़की का उसने क्या हाल बना दिया है। वह हर चीज पे नाराज था, प्यार पे, धर्म पे, कि हर चीज ने ईमान और उसे दोनों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ईमान ने उसे यह भी समझाया वह इस मुलाकात की खुशी पूरी जिंदगी मना लेंगे और अगले दुनिया में जरूर मिलेंगे। उसके बातों में अलग सा यकीन था। वो बेचारी कर भी क्या सकती थी, उसके लिए तो मोहब्बत एक गुनाह था। अब उसके जाने का वक्त आ गया था। उसने इतनी हिम्मत बस हमाद से मिलने के लिए की थी। इस मुलाकात के बाद हमाद को एहसास हुआ, नहीं मिलने का दर्द मिल के बिछड़ जाने के दर्द से बहुत ज्यादा होता है। ईमान के मुलाकात के बाद अब 9 दिन हो चुके थे, पर हमाद को हर वक्त अपने आसपास बस ईमान की मौजूदगी महसूस होती। उसकी खुशबू, उसकी आवाज सब मानो हमाद को आती रहती थी। एक शाम निखत का हमाद को खत आया कि ईमान जब से हमाद से मिल के गई है बहुत बीमार है और बिस्तर पर सीमित हो गई है। सबको लगा उस दिन भीगने की वजह से ईमान की यह हालत हो गई है। निखत ने हमाद को ईमान के लिए दुआ करने बोला। हमाद ने सोचा अगर उसकी इबादत में इतनी ही ताकत होती तो क्या अब तक ईमान उसे मिल नहीं जाती। उसकी इबादत क्या ही ईमान की हालत सुधार सकती है। हमाद ने यह भी सोचा यह मौसम की बीमारी नहीं पर उसके अंदर की तकलीफ थी। पहले तो बिना हलाल रिश्ते के उसने अपने प्यार का इजहार किया जो कि उसके नज़र में सबसे बड़ा गुनाह था, और दूसरा उसका दिल अपने अब्बा के सम्मान और हमाद की मोहब्बत से के बीच की जंग लड़ रहा था। अब ईमान के निकाह को बस 2 दिन बचे थे। हमाद स्टेशन पर बैठा बस आसमानों को देख रहा था। वह सोच रहा था अब्दुल्ला को उसके मोहब्बत को पाने की खुशी मिल जाएगी और मेरा मोहब्बत अब हमेशा के लिए किसी और का हो जाएगा। तभी उसे सामने से अब्दुल्ला आते हुए दिखा। हमाद को लगा वह इतना ज्यादा अब्दुल्ला के बारे में सोच रहा है कि अब वह उसकी कल्पना भी करने लगा है, पर यह सच था। अब्दुल्ला ही था जो हमाद के पास आ रहा था। उसकी हालत इतनी बेचैन थी जैसे कि एक मछली को पानी से अलग कर दिया हो। उसने तुरंत हमाद को उसके साथ चलने को बोला। आज मौलवी साहब ने खुद हमाद को अपने घर आने की इजाजत दे दी थी और ईमान के बोलने पर अब्दुल्ला खुद उसे लेने आया था। बहुत ही ठंड रात थी, गहरा कुहासा था। जैसे तैसे वो लोग मौलवी के घर पहुंचे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था ईमान का होने वाला शौहर मौलवी सब अपने सामने उसे ईमान के पास क्यों लेकर जा रहे हैं। जाकर उसने देखा घर पर एक उदासी सी छाई हुई थी, सब लोग रो रहे थे। फिर उसने देखा सहजादी सी खूबसूरत उसकी मोहब्बत बिस्तर पर लेटी हुई थी। ऐसा लग रहा था वो बहुत ही ज्यादा बीमार और कमजोर हो। वो अधमरी सी हो रखी थी पर यह बीमारी भी उससे उसके चेहरे का नूर नहीं चुरा पा रही थी। हया ने ईमान के कानों में कुछ बोला जिसके बाद ईमान ने अपनी आंखें खोली। अब मौलवी साहब ने खुद अपनी बेटी के हाथ में हमाद का हाथ दे दिया था। ईमान हमाद को एक टक देखने लगी मानो उसकी छवि अपने कातिल आंखों में बसा लेना चाहती हो। उसने उसे देखकर अपनी प्यारी मुस्कुराहट दी और ऐसा महसूस कराया मानो वो कह रही हो मोहब्बत की ताकत सब कुछ जीत सकती है, और बस अपने आंखों को बंद कर लिया। यह देख मौलवी ने तुरंत बोला इन्ना लिल्लाही व इन्ना इल्लाही रजीउन। हमद चौक सा गया, क्या पड़ोसी में किसी का इंतकाल हो गया है। यह तो इंतकाल की दुआ थी। हया, निखत, ईमान की माँ, अब्दुल्ला सब रोने लगे। वो समझ ही नहीं पा रहा था। अभी अभी तो उसकी सहजादी ने सुकून से सोने का सोचा और सब ऐसे रोक कर चिल्ला कर उसे जगा क्यों रहे हैं। वो उठकर मौलवी साहब के आंसू पोंछने लगा और उनके मुंह पर उंगली रख उन्हें चुप होने कहने लगा। सब और जोर जोर से रोने लगे। तभी निखत उठकर हमाद के पास आई और उसने हमाद को जोर से झटकते हुए बोला भाई, ईमान जा चुकी है हमेशा के लिए। अब हमाद को समझ आने लगा था मौलवी ने इंतकाल की दुआ क्यों पढ़ी थी और सब क्यों रो रहे थे। यह सुन वह ईमान को उठाने लगा
तभी मौलवी ने उसे गले से लगाया। दोनों जोर जोर से रोने लगे। हमाद उसी पल पूरा टूट गया। वह सोचने लगा, जब से उसने ईमान को देखा था तब से उसकी धड़कन तो ईमान से जुड़ गई थी। उसके सामने कोई ईमान की रूह को उसके शरीर से कैसे अलग कर सकता था? और अगर उसकी धड़कन रुकी है तो हमाद अब तक सांसें कैसे ले रहा था? उसकी भी मौत तो उसी पल हो जानी चाहिए थी। यही सोच के साथ वह वहीं पे गिर गया। 15 दिन तक वह पूरी तरह बेहोश रहा। उसे कुछ याद नहीं था, ईमान के साथ क्या हुआ या उसके साथ क्या हुआ। उसकी आंखें खुलने पर उसने अपने आसपास सलाइन और इंजेक्शन के साथ खुद को सिद्दीकी साहब के घर में पाया। बहुत दिन तक उसे कुछ याद नहीं था। सब लोग उससे मिलने आने लगे, उसके अब्बा अम्मी, अब्दुल्ला, निखत, शकीर, पर उसने घर नहीं जाके वहीं रेलवे स्टेशन पर सिद्दीकी साहब के साथ रहने का फैसला किया। उसे निखत ने बताया कैसे ईमान की सांसें बस हमाद को देखने उसके शरीर के अंदर थी, और अब्दुल्ला ने मौलवी के पैरों पे गिरकर उसे हमाद से मिलवाने की इजाज़त मांगी। ईमान ऐसे ही दर्द में तड़पती रहती, पर वह मौलवी साहब से कभी अपने दिल की हाल नहीं बताती। अगर अब्दुल्ला ने खुद ऐसा न किया होता तो। निखत ने उसे ईमान का एक आखिरी खत भी दिया, जो ईमान चाहती थी उसके निकाह के बाद हमाद को मिल जाए। बहुत दिन गुजर जाने के बाद किसी तरह हिम्मत कर हमाद ने वो खत खोला जिसमें ईमान ने अपनी बातें लिखी थी। उसने लिखा था, वह जानती है हमाद अब तक अपने घर नहीं लौटा होगा। ईमान ने हमाद को समझाते हुए लिखा था, मोहब्बत हट का नहीं पर कुर्बानी का नाम है। जीत कर भी जो कुर्बानी दे दे वही सच्चा आशिक होता है। उसने फिर अपना वादा दोहराते हुए लिखा था, वो अगले दुनिया में सिर्फ उसके साथ के लिए दुआ करेगी। वह जानती थी हमाद को बहुत कड़वे घूंट पीने होंगे वापस लौटने के लिए, पर उसे भरोसा था हमाद लौट जाएगा और वह ईमान का भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। अब हमाद के सारे घर वाले उसके पास आकर हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगे। पिता और बेटे का एक बार फिर मिलन हो गया था। वह अपने स्टेशन के दोस्तों को कभी अब भूलने वाला नहीं था, और अब उसने अपने अब्बा को खुद बोलकर अपना लंदन यूनिवर्सिटी में दाखिला करा लिया, और वह अब लंदन पढ़ने और कमरान के पास रहने चला गया था। अब हमाद की मुलाकात रेबिका से हुई। वह थोड़ी दुखी थी और नाराज भी थी। हमाद ने पिछले रात सारा के साथ डिनर किया था, तभी सारा वही हमाद के जैकेट को पहनकर वहां आ गई, जिसके बाद रेबिका के आंखों में सारा के लिए एक जलन दिखी। सारा ने बताया उसने और सर आइजैक में थोड़ी बहस की और एक दूसरे से सुलह कर लिया। हमाद सोच में पड़ गया था, देश और विदेश की परवरिश में कितना फर्क होता है। विदेश में लड़कियां अपने पिता से बहस कर बातें सुलझा लेती थी, पर देश में तो वह कभी अपने मुंह भी नहीं खोलती। हमाद को एक बार फिर ईमान की याद आ गई और उसकी आंखों में दुख झलकने लगा। यह देख सारा ने उससे पूछा, वह हमेशा इतना दुखी क्यों होता है? इस बात का वादा करके कि वह इसका जवाब कभी और बताएगा, वो लोग वहां से चले गए। हमाद की हॉलोकॉस्ट पे रिसर्च यूनिवर्सिटी में अब एक डर फैला रही थी, और यूनिवर्सिटी ने अब फैसला किया था पहले उन्हें अपना रिसर्च पेपर यूनिवर्सिटी के सामने रखना होगा, फिर जिनका रिसर्च उन्हें उचित लगेगा वह सिर्फ उन्हीं को मौका देंगे सबके आगे बोलने का। और अब हमाद को यह भी पता चल गया था कि शारा अब प्रो हॉलोकॉस्ट पे अपनी रिसर्च देगी। फिर दोनों रेबिका और हमाद पानी के पास एक बेंच पे चले गए। रेबिका ने वहां जाकर हमाद को उसके लिए अपने मोहब्बत का इजहार किया, पर हमाद ने उसी वक्त उसे बोला, वह किसी पत्थर दिल से प्यार करता है जिसका दिल अब तक उसके लिए पिघला नहीं है। दोनों के बीच कविताओं में एहसास की बातें हुई, पर रेबिका अपने मोहब्बत का हार देखते हुए वहां से रोती हुई भाग गई और हमाद वहीं बैठा रह गया। यूनिवर्सिटी में वहां के एडमिनिस्ट्रेशन और फैकल्टी के बीच हमाद के लिए बस जहर फैल रहा था, पर अब वहां के स्टूडेंट से हमाद को मोहब्बत ही मोहब्बत और इज्जत मिल रही थी। सारा और हमाद भी अब एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगे थे
और जिस दिन से हमाद ने रेबिका का दिल तोड़ा था उस दिन से रेबिका ने उसके सामने आना और बातें करना छोड़ दिया था। एक शाम सारा के साथ वक्त बिताते हुए हमाद ने उसे ईमान के बारे में और उसके मौत के बारे में बताया। उसके बातें सुनने के बाद सारा उसे ज्यूस के मंदिर ले गई और एक अनजान लड़की के मौत पर उसके लिए प्रार्थना करने लगी। फिर उसने हमाद जो रो रहा था उसे संभाला और उसके और ईमान के रिश्ते की पूरी सच्चाई सुनी। इस वाक्य ने सारा के मन में हमाद के लिए हमदर्दी, प्यार, इज्जत सब बढ़ा दिया था। घर लौटने पर कमरान ने हमाद से नाराजगी जताते हुए ज्यूस से अपनी लड़ाई बंद करने को बोला। हमाद पहली बार अपने खुदा, अपने धर्म के लिए खड़ा होकर सारी धार्मिक और अच्छी बातें बोलने लगा। उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था, वह कभी भी एक अच्छा मुसलमान नहीं था। फिर अचानक क्या हुआ था जो वह अपने धर्म से इतना प्यार करने लगा। यह सुन कमरान भी हमाद से प्रभावित हो गया था और उसने बोला, अब वह हमाद के लड़ाई में उसके साथ है। अब रेबिका को भी हमाद और ईमान का सच पता चल गया था और उसने भी हमाद से माफी मांगते हुए उससे सुलह कर ली। हमाद जिस लाइब्रेरी में हॉलोकास्ट पे रिसर्च करने जाता था और वहां से बुक्स लेता था, वो लोग भी ज्यूस थे और उन्होंने सर आइजैक के साथ मिलकर हमाद पर उन्हें परेशान करना, धर्म के नाम की धमकी देने, ये सब बातें की शिकायत लगा दी थी। सर आइजैक ने हमाद को अपनी बेटी सारा से भी दूर रहने के लिए चेतावनी दे दी थी। यूनिवर्सिटी में मानो हमाद और उसके रिसर्च टॉपिक को लेकर एक भूकंप आ गया था। हमाद ने अपनी की हुई रिसर्च सारा को दे दिया क्योंकि वह जानता था अब वो कभी लोगों के सामने अपनी सच्चाई नहीं रख पाएगा। फिर वह सुनहरा दिन आ ही गया जब सबको अपना रिसर्च पेश करना था। लंदन के मेयर, मीडिया से लोग और यूनिवर्सिटी के सारे दिग्गज ऑडिटोरियम में थे। सारा की बारी थी हॉलोकास्ट के फेवर में बोलने की। उसने इस मौका का पूरा फायदा उठाते हुए सबके सामने हमाद की तारीफ की। उसने उसे एक सच्चा इंसान और सच्चाई के रास्ते पे चलने सिखाने वाला और सच का साथ देने वाला बताया। और इस मौके पर उसने एंटी हॉलोकास्ट पे बोला। उसने अपनी और हमाद के रिसर्च दोनों की दलीलें पढ़ी और यह फैसला पे आई थी, अब तक जो उसके पूर्वज उन्हें बता रहे थे वह सच से बिल्कुल करीब नहीं था। ज्यूस ने एक झूठ का सहारा लेते हुए 5 से 6 मिलियन ज्यूस के मौत का दावा करके पैलेस्टाइन और जेरूसलम पे फतेह हासिल की थी, जो कि मुस्लिमों का सदियों से घर था, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वार के तहत कुछ 5,000 ज्यूस की मौत हुई थी। ज्यूस ने मुस्लिम देश में अपनी माइग्रेशन को लीगल करवाने और उन पर कब्जा करने या झूठ का सहारा लिया था। उसने यंग जेनरेशन से सवाल करते हुए बोला, उन्हें मिलकर यह खोजना होगा यह हॉलोकास्ट सच में हुआ भी था या नहीं, और सच्चाई को सुनकर उससे भागने या मुंह फेरने के अलावा उसका सामना करना होगा। सारे मीडिया पर्सन और अखबार वालों को यह खबर से बेहतरीन और कोई खबर उस दिन नहीं लगी होगी। सब सारा और हमाद की तस्वीरें लेने लगे। उस हॉल में एक सैलाब आ गया। उस भीड़ में हमाद को सारा के जगह ईमान नजर आने लगी और उसकी वही बात उसे सुनाई देने लगी जो उसने अपनी आखिरी सांस पर बोला था कि मोहब्बत हर चीज पर फतह हासिल कर ही लेती है। अगले दिन सभी अखबारों में मुस्लिम के एंटी स्लोगन्स भरे पड़े थे। सबने हमाद के बारे में तरह तरह की बातें लिख रखी थी, जैसे उसने एक ज्यू लड़की को अपने पिता से अलग कर दिया, उनके बीच दरार डाल दी, वो एक टेररिस्ट है, उसने सारा को अपने मोहब्बत में फंसाया है और ना जाने क्या क्या। पूरे शहर का माहौल खराब हो गया था और इस वजह से यूनिवर्सिटी को 15 दिन के लिए बंद करना पड़ा। सब ज्यू बच्चे ने हमाद के साथ देने का और सड़कों पर उतरकर नारा लगाने का फैसला कर लिया था। वो लाइब्रेरियन ने अब लंदन पुलिस में भी हमाद की कंप्लेन कर दी थी, पर हमाद से पहली मुलाकात पर ही पुलिस उसकी सच्चाई और बेकसूर होने की बात जान गए थे। सारा के अपने पिता सर आइजैक से भी बहुत अनबन चल रही थी।
हमाद ने जो जुर्म सच को उठाकर किया था, सारा ने भी वही जुर्म सच को सामने लाते हुए किया था। फिर सारी सजा सिर्फ हमाद के लिए क्यों थी? वह बहुत परेशान थी। सारे जू अब हमाद के पीछे थे और अब उस पर अलग से खतरा मंडरा रहा था। इधर सारा अब हमाद के मोहब्बत में पड़ गई थी। वह जितना हमाद को जानने लगी थी उतना उसके करीब आने लगी थी। उसने हमाद को अपने मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। उसने कोई कबूलियत नहीं मांगी, बस उसे अपना हाल बताया। सारा अब बहुत बेचैन और सच की तलाश में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, वो बचपन से जिस पिता पर इतना भरोसा करती थी, उन्होंने भी उससे झूठ क्यों बोला। फिर सारा और हमाद में अपने अपने धर्म की बात होने लगी और हमाद ने बताया आज तक वो कभी मुस्लिम होने पर गर्व महसूस नहीं करता था, बल्कि अपने धर्म को उसके मोहब्बत को छीन लेने का दुश्मन मानता था। पर जब वो लंदन आया, लंदन के सफर ने उसके विचार को बदल दिया। उसने अल्लाह की तारीफ करते हुए मस्जिद लेकर सारा को सूरा रहमान सुनाया। उसे एहसास हुआ अब तक वह सिर्फ अपने फायदे के लिए अपने धर्म को सीखने की कोशिश कर रहा था और वह आज सच्चे मायने में कुरान पढ़ रहा था। इस बात ने सारा के मन में बेचैनी और बढ़ा दिया था। दूसरे दिन वह अपने घर से भाग चुकी थी। पूरा एक दिन बीत जाने पर उसने हमाद और रेबिका को बुलाया। वो अपनी माँ जेनी के साथ एक मस्जिद के बाहर खड़ी थी। उसने अब इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया था। उसकी माँ जेनी खुद तो कभी ऐसा कर नहीं सकती थी, पर वो अपनी बेटी को उसकी सच्चाई के सफर में रोकना नहीं चाहती थी। मस्जिद में जाकर सारा ने मौलवी की मदद से 6 कलमा पढ़ा और मुस्लिम हो गई। हमाद ने उसे नया नाम देते हुए ईमान उसका नाम रखा। सब लोग रोने लगे। हमाद आज तक जो भी कर रहा था वो तो धर्म का एक दिखावा था, उसकी खुद की मोहब्बत को जीतने के लिए। पर सारा ने जो किया वो दिल से और सच्चाई से किया था। सारा के इस बदलाव में कोई ढोंग नहीं था। लंदन के हालात पूरे तरह से खराब हो जाने की वजह से अब हमाद को पुलिस ने लंदन छोड़कर जाने का सुझाव दिया था। उसे अब कोर्ट की मदद लेते हुए अपनी बेकसूरी साबित करना पड़ता। सारा जो अब ईमान बन चुकी थी, उसकी माँ जेनी और रेबिका और हमाद के सारे दोस्त पुलिस वाले सब एयरपोर्ट पे थे। सारा ने उसे बताया वह उसके लौटने का इंतजार करेगी और बारिशों के बीच एक बार फिर हमाद की फ्लाइट उड़ान भर चुकी थी। वह यहाँ से खाली हाथ नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर जा रहा था। तो फ्रेंड्स, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी मानिए तो मैं इस कहानी को 5 में से 4.8 स्टार्स की रेटिंग दूंगी। यह कहानी में एक अलग सा एहसास और तकलीफ छुपा है। जिस धर्म के रास्ते पर हमाद अपनी जिंदगी में कभी चला नहीं, वह बस अपने मोहब्बत को हासिल करने उसे निभाने लगा, पर उसकी वही मोहब्बत अपने धर्म के रास्ते पर सही तरीके से ना चल पाने की दुख और तकलीफ को सह नहीं पाई और उसका इंतकाल हो गया। खुदा और उसके इजहारे मोहब्बत के जंग ने ईमान की जान ले ली थी। हमाद भी अब खुदा और उनके बनाए नियम को अपने दुश्मन समझने लगा था। पर कहते हैं ना, खुदा की रहमत आप पर कब हो जाए आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उसके उसी धर्म ने उसे लोगों के नज़र में अलग बना दिया था, उसकी इज्जत बढ़ा दी थी, उसे खुदा के करीब खींच लाया था और एक अनजान देश में इतने लोगों का मोहब्बत दे दिया था कि सारे लोग उसके लिए जीने और मरने तैयार थे। ऐसे ही अच्छे एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।